तो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाला है, आपको शायद पता होगा, आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें दोस्तों हमको अच्छा खासा बिजनेस भी दे रहा है और अच्छा खासा सर्विस भी दे रहा है। तो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारा कंपनी आ चुका है, कंपनी से दोस्तों बचना है। अगर आप लोग फ्रॉड होने से बचना चाहता है तो आप दोस्तों सही कंपनी चुनो और उस कंपनी में काम करो, ठीक है दोस्तों। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाला है फिनो पेमेंट्स बैंक का आईडी लेकर। बहुत सारा भाई लोग मेरे को कमेंट कर रहा है, तो भाई फिनो पेमेंट्स बैंक का आईडी हमको चाहिए। तो आज जो वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में जानकारी मिलेगा। और अगर आप दोस्तों फिनो पेमेंट्स बैंक का आईडी लेना चाहता है तो आप दोस्तों किस तरह लेगा, वो भी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से प्रोसेस बता देंगे और ए टू जेड दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा भी देंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको इस वीडियो देखना है। अगर दोस्तों आप फिनो पेमेंट्स बैंक का द्वारा दोस्तों आईडीएफसी बैंक का भी सीएसपी लेना चाहता है तो आप ले सकती है, लेकिन दोस्तों आधार सभा के अंदर आपको नहीं मिलेगा। अभी आप लोग शायद वीडियो देखने से पहले आप लोग लास्ट में चला जाएगा जो भाई आधार सभा केंद्र के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो दोस्तों आधार सभा केंद्र के लिए दोस्तों हम लोग लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेंगे फिनो पेमेंट्स बैंक का आईडी एक्चुअली कैसे हमको मिलेगा और फिनो क्या आरबीआई रजिस्टर है कि नहीं है, फिनो कंपनी फ्रॉड है क्या नहीं है, वो भी दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। दोस्तों फिनो पेमेंट्स बैंक जो कंपनी है सबसे हाई लेवल रैंक में चल रहा है और फिनो पेमेंट्स बैंक दोस्तों कंपनी फ्रॉड नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मार्केट में काम कर रही है वो आरबीआई रजिस्ट्रेशन है और दोस्तों फिनो पेमेंट्स बैंक जो है दोस्तों वो बैंक ओरिजिनल ही है, ठीक है, कोई फ्रॉड बैंक नहीं है। बहुत सारे भाई बोल रहे हैं मेरे को, जब दोस्तों मैं आईडीएफसी बैंक का वीडियो बनाया था उस वीडियो में बहुत सारा भाई लोग मेरे को कमेंट किया है जो फिनो पेमेंट्स बैंक बेकार बैंक है, इसमें कोई हमको फ़ायदा नहीं है और नुकसान है। लेकिन मैं इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे, देखो जिसका अच्छा लग रहा है वो तो काम कर रही है, जिसको अच्छा नहीं लग रहा है वो तो काम नहीं करेगा ना। तो आपका वो टेंशन नहीं है, अगर आपको करना है फिनो पेमेंट्स बैंक में काम करना है तो आप कर सकती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आईडी लेके काम कर सकते हैं। दोस्तों अभी मार्केट में बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है जो आईडी फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। अगर दोस्तों अपना अपना एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर निकालना चाहता है तो आपको कैसे मिलेगा, तो चलिए दोस्तों वो भी आपको बता दूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप अपना अपना एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर निकालना चाहता है तो आपको सैम्पल एक काम करना है, हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर एक लिंक है digitalasokstore.com, वहाँ पर आप क्लिक करो और वहाँ पर आपको सैम्पल सर्च करना है फिनो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर पर सर्च करने के बाद फिनो डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्टैक्ट नंबर पर सर्च करो, आपको वहाँ पे फिनो पेमेंट्स बैंक का जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर है आपका सामने नज़र में आ जाएगा। और दोस्तों फिनो पेमेंट्स बैंक का द्वारा दोस्तों बहुत सारा बैंक का सीएसपी प्रोवाइड कर रहा है, पहले से भी कर रहा है, अभी भी दोस्तों कर रहा है। पहले दोस्तों कर रहा था बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और अभी दोस्तों यूनियन बैंक का भी अभी सीएसपी प्रोवाइड कर रहा है, सीएसपी जो फिनो पेमेंट्स बैंक का द्वारा। अगर आप दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक विश्वास नहीं कर रहा है तो आप दोस्तों वो भी हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन चला जाना, वहाँ पे दोस्तों एक लिंक है फिनो पेमेंट्स बैंक बीसी मर्चेंट रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा बहुत सारा लिस्ट। बहुत सारा भाई लोग दोस्तों हमारा मालदा डिस्ट्रिक्ट से भी लेकर रखा है फिनो पेमेंट बैंक का द्वारा दोस्तों कस्टमर सर्विस पॉइंट, ठीक है। और दोस्तों आईडीएफसी बैंक का दोस्तों न्यू लॉन्च हुआ है, लेकिन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी लॉन्च हुआ है, आने वाले दिन में उस वो भी आईडी लॉन्च हो जाएगा और उसको भी सीएसपी ले सकती है। तो खास करके दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे आधार सभा केंद्र के ऊपर। दोस्तों आधार सभा केंद्र दोस्तों फिनो का आईडी लेने के बाद आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको ध्यान देना है। फिनो पेमेंट्स बैंक दोस्तों एक ऑनलाइन बैंकिंग है और ऑनलाइन बैंकिंग से दोस्तों आपको आधार सभा केंद्र नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको पहले बता दूँ ऑनलाइन बैंकिंग से दोस्तों आपको फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा आधार सभा केंद्र नहीं मिलेगा। उसके लिए कंपनी क्या कर रहा है, एक बैंक का बीसी दे रहा है, ठीक है दोस्तों, जो परमानेंट बैंक है उसका बीसी दे रहा है। देखो फिर जो ऑनलाइन बैंकिंग होता है सब भी उसको इंटरेस्टिंग नहीं है। देखो जैसे कि फिनो पेटीएम पेमेंट्स बैंक आया था मार्केट में, बहुत धूमधड़क से आया था, लेकिन अचानक से क्या गलती हुआ है, आरबीआई उसका अकाउंट ओपनिंग बंद कर दिया। तो ऐसा भी हो सकती है फिनो पेमेंट्स बैंक में, क्योंकि अभी फिनो पेमेंट बैंक में बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, बहुत सारा फेल भी हो रहा है, बहुत सारा ये हो रहा है। अगर मान के चलो इस तरह कोई फ्रॉड होगा और आरबीआई को ये साइबर सिक्योरिटी में चला जाएगा तो वो भी अकाउंट ओपनिंग बंद हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक सोच रहा है जो भाई हमारा इंडिया में काम करना है तो फिनो बैंक का द्वारा दोस्तों हम आईडीएफसी का देंगे, यूनियन के देंगे, जो भी बैंक है मार्केट में, हाँ भी सभी प्राइवेट बैंक देंगे, तब हमारा जो कंपनी है उस कंपनी का टिका रहेगा और हमको भी फायदा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक जो एक्चुअली क्या हो रहा है, फिनो पेमेंट बैंक दोस्तों अभी मार्केट में सबको एक वेंडर दे के रखा है, ठीक है, वेंडर बोलो तो AEPS सिस्टम में, जो AEPS होता है दोस्तों बैंकिंग सिस्टम में, उसमें सभी को दे के रखा है, ठीक है।
तो एक्चुअली अगर आप लोग दोस्तों फीमेल ब्रांड में काम करना चाहता है तो बड़ी बेफिक्र होकर काम करो, फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्टैक्ट करो, वहाँ पे 100-200 रुपये कम से कम 500 रुपये में आपको आईडी मिल जाएगा। और आने वाला दिन में दोस्तों अगर सब कुछ अपडेट मिल जाएगा, जैसे कि CSC कॉमन सर्विस सेंटर को मिला है, ऐसा अगर फिनो बैंक को मिल जाएगा तो आपको आईडी लेने के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से जान लिया है। अगर आप फिनो पर आधार सेवा केंद्र लेना चाहता है, बैंकिंग पॉइंट लेना चाहता है, तो आप ले सकती है। अभी भी दोस्तों मौका है, आप ले लो। ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।